नमस्कार, बीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 1953 में गोंदिया में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा नागपुर में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समझौते के जश्न में समझौता पत्र जलाया गया। समझौता लागू नहीं होने पर विदर्भ आंदोलन समिति की ओर से आज गोंदिया के अम्बेडकर चौक इलाके में इसका विरोध करते हुए एक पत्र जलाया गया। आजपर्यंत आलेल्या आमदार खासदारांनी आश्वासन देऊन वेगळा विदर्भ करू म्हणून आश्वासन दिले, पण अजूनपर्यंत वेगळा विदर्भ झालेला नाही। आणि देवेंद्र फडणवीसनी तर म्हटलं होतं की वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय मी लग्नच करणार नाही, पण साहेबांचं लग्न होऊन लग्न झालं, पण अजूनपर्यंत वेगळा विदर्भ काही झालेला नाही आहे। आणि आम्हाला तो देव आमचा हक्काचा विदर्भ आहे, तो आम्ही मिळवणारच। आणि हे जे नागपूर करार आहे त्याच्यात त्यांनी म्हटलं होतं ते झालेलं नाही, त्याच्यामुळे आम्ही या नागपूर कराराचं खंडन करून याची आम्ही आजच्या दिवशी होळी करतो। आणि आमच्या वेगळ्या विदर्भासाठी आमची लढाई हक्काची चालू राहील। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी नबी के मौके पे मस्जिद ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी और फिदाए अल जमजम कमेटी रेल टोली ने 24 सितंबर 2023 मस्जिद के हॉल में नात खानी और तकरीर का प्रोग्राम लिया गया। इसमें बालाघाट से मौलाना हबीब नूरी साहब तशरीफ लाए थे। मस्जिद के इमाम जनाब हाफिज सत्तार साहब ने दिन की रोशनी डाली। इसके साथ ही 28 सितंबर 2023 को जुलूस का इस्तकबाल किया गया और तबुराक बांटे गए। मस्जिद मोहल्ले को फिदाए अल जमजम कमेटी की तरफ से शानदार सजावट और रोशनियां की गईं। इसमें कमेटी के सभी लोगों ने मिलजुल कर काम को अंजाम दिया। मस्जिद कमेटी के सदर सैयद वाजिद अली, मौलाना बिलाल साहब, फिदाए अल जमजम कमेटी के सदर असद शेख, कयूम खान, ख्वाजा शेख निशार वक्त, अशीम खान, जफर खान, जावेद खान, जावेद शेख, राजा भाई, जमीर खान, अनीश भाई, समीर भाई, सईद भाई, सनी खान, जाहिद बखत, बाबा भाई, अजीज खान के साथ इन बच्चों ने हिस्सा लिया। हैशनैन सैयद, आरिज सैयद, अयमान सैयद, साहिल शेख रातों को जाग कर सजावट की गयी। मैं मोहम्मद बिलाल रजा कादरी, रेल टोली गोंदिया। यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़ी शान से निकला। हम लोगों ने अपना खूब ताउन किया और उसमें कुछ तबरुकात भी तकसीम किए, और उस ताल्लुक़ से हमने फिदाए अलजमजम कमेटी के जानिब से यहाँ पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानात भी लिख कर टंगाए हैं, जिसमें माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना और अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जाए और रिश्तेदारों के साथ और आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत कैसे बनाए रखे, उसका हम लोगों ने पैगाम लोगों तक पहुंचाया। मैं सैयद वाजिद अली, ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद के सदर और फिदाए अल जमजम का बेटी के सेक्रेटरी, नाते तमाम आवाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 24 तारीख को हमने मस्जिद में तकरीरी प्रोग्राम लिए थे। बालाघाट से हमारे इमाम मुफ्ती नूरी साहब आए थे, बच्चों का नातिया प्रोग्राम हुआ और शहर में बाइक रैली निकली थी, उसका इस्तकबालिया प्रोग्राम किया फिदाए अल जमजम कमेटी की जानिब से। काफ़ी अच्छा हुआ प्रोग्राम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान दिया है कि सबसे मोहब्बत प्यार इखलास से रहो, उसी पर अमल करते हुए आ रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। कलिंगनगढ़ शहर में बनाए गए कृत्रिम विसर्जन तालाबों को नागरिकों का बढ़ता प्रतिसाद मिल रहा है और नागरिक बड़े पैमाने पर नदी तल में भी गणेश विसर्जन किया गया। शहर में गणेश उत्सव का जोरदार माहौल रहा। कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण बांध से पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गणपति विसर्जन के लिए नदी तल पर भी उत्साह का माहौल है और गणेश विसर्जन चल रहा है। प्रशासन द्वारा नदी तल के आसपास सुरक्षा उपायों की योजना बनाई गई है और नागरिकों को नदी पात्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से नदी पात्र में गणपति विसर्जन नियम अनुसार चल रहा है। शहर के कई इलाके भक्तिमय हो गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी नगर परिषद हिंगनघाट की ओर से 6 जगहों पर कृत्रिम विसर्जन तालाब बनाए गए हैं। प्रशासन की ओर से शहर के नागरिकों भगवान गणपति को विसर्जित करने के लिए सीधे नदी में जाने की बजाय बनाए गए कृत्रिम विसर्जन तालाब का उपयोग करें, जिससे नदी प्रदूषण और मानव जीवन के खतरे से बचा जा सकता है। इस प्रकार का आह्वान किया गया है। इन बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि योनौरकर की रिपोर्ट। इस बढ़ती महंगाई के समय में भी पटवारियों को 258 रुपए मकान और 300 रुपए पेट्रोल भत्ता मिलता है। उनका ग्रेड पे 2100 कई साल से यथावत है, जबकि दूसरे राज्य में ग्रेड पे 2800 हो गया है। प्रदेश सरकार हर कर्मचारी वर्ग
की सुन रही है, पटवारियों को छोड़ रही है, ऐसे में हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। यह बात पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश सूर्यवंशी ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में कही। आंदोलन के साथ कई बार सरकार को ज्ञापन दिया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने का समय करीब है, इससे पटवारियों में आक्रोश है। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि राजस्व मंत्री ने वर्ष 2007 में 2800 ग्रेड पे का आश्वासन दिया था, इस मांग को 2023 में भी पूरा नहीं किया गया है, जबकि पटवारी 56 विभागों का काम कर रहा है। पटवारी संघ के अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट कहा है कि हाल ही में कैबिनेट में पटवारियों को 3000 रुपए का भत्ता देने की बात कही है, वह भारत सरकार के कृषि विभाग के कार्य का है, इस पर सरकार पटवारियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अतिरिक्त हल्के का मात्र 500 रुपए भत्ता मिलता है, यह भी काफी कम है। हड़ताल से राजस्व कामकाज ठप, परेशान हो रहे जरूरतमंद। पिछले एक माह से चल रही पटवारियों की हड़ताल से सीमांकन, बंटवारा, किश्तबंदी, खसरा, नक्षत्र समेत अन्य राजस्व कामकाज ठप हो गए हैं, जरूरतमंद तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जुड़े किसानों और आम पब्लिक और 56 विभागों के काम पटवारी करता है और हम करने के लिए तत्पर है। ये तो हमारी बहुत मजबूरी है, जो हमने अभी आपको पूरी व्यथा सुनाई। इस व्यथा को देख के आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? जब अन्याय हो रहा है तो हम उस अन्याय के खिलाफ अगर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या गलत है? और रही बात आपका कहना है कि आचार संहिता, आचार से हम मर्यादित संघ के सदस्य हैं और हम कोई उद्दंडता नहीं करेंगे। जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन सहर्ष सरकार जिंदाबाद के नारे लगाकर हम चुनाव का काम करने जाएंगे, आप उससे अब निश्चिंत रहें। जी, सवाल निर्वाचन का कोई काम नहीं रोकेंगे। मेरा ये कहना है इसमें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पटवारी की औकात का अच्छी भली भांति भान है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भान नहीं है। तो ये प्रश्न का उत्तर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से किया जाना चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश प्रधानमंत्री चलाता है या पटवारी चलाता है, तो फिर पटवारी को आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? ये प्रश्न तो मुख्यमंत्री से किया जाना चाहिए। पटवारियों पे बोझ लादती है, अतिरिक्त हल्के का प्रभार देती है। अगर सरकार उस हल्के में पटवारी की पदस्थापना करेगी तो उसको 35,000 से लेकर 60,000 तक तनख्वाह उस हल्के की उस पटवारी को देना पड़ेगा, किंतु वो टाइम से भर्ती नहीं करती, अतिरिक्त हल्के का प्रभार हमको देती है और अतिरिक्त हल्के के प्रभार के एवज में हमें 500 रुपये देती है, जिसमें सरकार को 60,000 रुपये तक लगना चाहिए, उसका हमको सिर्फ अतिरिक्त हल्के का भत्ता 500 रुपये। ये शर्मनाक भत्ता है कि नहीं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। इसी प्रकार पटवारी एक बहुआयामी कर्मचारी है, वो तकनीकी कार्य करता है, कार्यपालिक कार्य करता है, लेकिन सरकार को उसमें भी तकलीफ है, उसको तकनीकी पद घोषित करने में तकलीफ है। और इसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि किसी प्रकार का सरकार कोई कार्रवाई करती है हमारे ऊपर, तो प्रदेश के 19,000 पटवारी, मैं ये 19,000 पटवारी के पूरे प्रदेश के, हमारे ज़िले के ये पूरे पटवारियों के ये इस्तीफे तैयार है, ये सारे पटवारी इस्तीफे लेके बैठे हैं, ये इस्तीफा हम देने को तैयार है, सरकार हमारा इस्तीफा स्वीकार कर ले। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट। श्री गणेश भगवान की स्थापना से लेकर विसर्जन तक शहर में भक्तिमय माहौल दिखाई दिया। गुरुवार की शाम बप्पा को भक्तों ने भावभीनी विदाई देते हुए नगर पंचायत द्वारा आयोजित विसर्जन स्थल पर गणेश भक्तों ने गणेश मूर्ति का विसर्जन किया। पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव मनाने का आह्वान मुख्य अधिकारी अर्चना वंजारी ने नगरवासियों से किया था, जहां नगरवासियों ने इस आह्वान का पालन करते हुए पर्यावरण पूरक गणेश उत्सव मनाते हुए सामाजिक बंधुभाव एकात्मता का परिचय देते हुए हर्षोल्लास से गणेश उत्सव मनाया। नगर पंचायत मुख्य अधिकारी अर्चना वंजारी ने गणेश मूर्ति का विसर्जन नदी नालों तालाबों में न करने का आह्वान करते हुए नगर पंचायत द्वारा बनाए गए कृत्रिम पानी के तालाब में करने का आह्वान नगरवासियों से किया था। निर्मलाएं एकत्रित करने, जमा करने के लिए जगह जगह कचरा कुंडे की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा की गई थी, जिससे शहर को कचरा मुक्त रखने का आह्वान नगर पंचायत द्वारा किया गया। नगर पंचायत द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम तालाब में कुल 40 निजी और सार्वजनिक गणेश मूर्ति का विसर्जन किया गया। गणेश मूर्ति विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर किसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए
पारशिवनी पुलिस विभाग की ओर से भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया था। थानेदार राहुल सोनवानी ने धार्मिक त्योहारों को देखते हुए नगरवासियों से हुए भाईचारा बनाने और शांतिपूर्ण उत्सव मनाने का आह्वान किया था। कुल मिलाकर शहर में शांतिपूर्ण उत्सव में धार्मिक त्योहार मनाया गया। पारशिवनी से BCN न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट। अकोला में पारंपरिक तौर से संपन्न हुआ गणेश विसर्जन जुलूस। पारंपरिक तरीके से 12 भाई का गणपति शुरुआत हुई। जय हिंद चौक से दगड़ी पुल नागपुरी जिन तिलक रोड मानिक टॉकेज गोलीपुरा चौक सुभाष चौक मोहम्मद अली रोड गांधी चौक सिटी कोतवाली होते हुए विसर्जन जुलूस निकाला गया। जुलूस में अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहे। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा। अकोला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, पुलिस उप अधीक्षक LCB, पुलिस निरीक्षक शंकर शेठ के रामदास पेट, पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मनोज बहरे, सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के थानेदार और सभी पुलिस कर्मियों का सहयोग रहा। परंपरा के अनुसार जुलूस के समापन के बाद गणेश विसर्जन जुलूस के अध्यक्ष मोती सिंह मोता का सत्कार ईद मिलादुन्नबी जुलूस के अध्यक्ष हाजी मोदाम के हाथों किया गया। हाजी मोदाम ने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक का सत्कार किया। जुलूस के समापन के बाद अकोला महानगर पालिका की सफाई कर्मचारी और अधिकारियों ने जुलूस मार्ग की सफाई का काम रात में ही मुकम्मल किया। NBCN न्यूज के लिए अकोला से असागर खान की रिपोर्ट। फिलहाल हिंदी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए BCN न्यूज के साथ। नमस्कार।